लास्ट क्लास तक हमने बताया था कि किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, जिसमें बताया था हमने कि वी और आई यानी कि किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं, और इसका मात्रक कितना होता है, ओम होता है। इतनी बात हमने लास्ट क्लास तक बताई थी। आज हम देखेंगे कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, यानी कौन कौन से फैक्टर क्या कहते हैं किसी चालक के प्रतिरोध को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, यानी कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारणों से प्रभावित होता है वो हम देखेंगे। तो पहला है चालक की लंबाई, एंड दूसरा फैक्टर है चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल। किस तरीके से चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पे और उसके परिच्छेद क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है, तो जान लेते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के समानुपाती होता है तथा उसके परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, है ना। यानी कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि चालक की लंबाई पर प्रतिरोध कैसे डिपेंड करता है, कैसे निर्भर करता है, कि अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, और क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है कि अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, है ना। तो लिख सकते हैं कि जो प्रतिरोध है चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तथा चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो दो बातें यहां से निकल के आई, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती जबकि परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका क्या मतलब है, अनुक्रमानुपाती का मतलब है अगर लंबाई को दो गुना करेंगे तो प्रतिरोध भी दो गुना हो जाएगा, लंबाई को तीन गुना करेंगे तो प्रतिरोध भी तीन गुना हो जाएगा। उसी तरीके से अगर क्षेत्रफल को क्या किया जाए, दो गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं, अर्थात ये लिखा जा सकता है R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, यानी कि R L के प्रोपोर्शनल, यानी कि L के अनुक्रमानुपाती होगा और A के व्युत्क्रमानुपाती होगा, है ना। इज इक्वल का साइन लगाते हैं, कांस्टेंट आ जाता है। ये जो कांस्टेंट रो है ना, यहां पे कांस्टेंट क्या आ गया, रो। ठीक है, ये जो कांस्टेंट रो है, जहां रो क्या है, एक नियतांक है, एक नियतांक है, इसे क्या कहते हैं, इसे चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि अब एक नई क्वांटिटी आपको पता चली, है ना, अभी हम पढ़ के आए हैं किसी चालक का प्रतिरोध, अब एक नई क्वांटिटी निकल के आई, चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। यानी कि जैसे पिछले क्वेश्चन में हम ओम के नियम में पढ़े थे कि जो वी और आई का अनुपात है वो डिपेंड करता है किसी चालक के प्रतिरोध पे, अब यहां पे हम क्या देखते हैं कि जो चालक का प्रतिरोध हुआ है वो निर्भर करता है लंबाई और ए पे, और दिए हुए पदार्थ के लिए जो उसका विशिष्ट प्रतिरोध है वो क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, यानी कि अब यहां से हम विशिष्ट प्रतिरोध भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध,
यहां से विशिष्ट प्रतिरोध निकाला जा सकता है, R is equals to rho L upon A हमने पढ़ा, तो R is equals to rho L upon A से हम अगर A की rho की वैल्यू निकालनी है हमें, तो निकाल सकते हैं rho is equals to R into A upon L। तो ये क्या आ गया, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है ना, विशिष्ट प्रतिरोध कितना हुआ R into A upon L। यहां से अगर इसका मात्रक लिखना हो तो मात्रक लिख सकते हैं, कितना होगा R यानी कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम, A क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, अपॉन लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, तो मीटर से एक मीटर कैंसिल कितना आ गया ओम मीटर। यानी कि किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है ओम मीटर होता है। अब यहां से अगर हमें विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा देनी है तो दी जा सकती है, कैसे देखते हैं, यदि L बराबर एक मीटर और A बराबर एक मीटर स्क्वायर हो तो रो बराबर कितना हो गया R। अगर इस फॉर्मूले में हम A एक रख दे L एक रख दे तो रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी R। तो क्या कह सकते हैं, किसी चालक के एक मीटर लंबे चालक का क्षेत्रफल अगर एक मीटर स्क्वायर हो तो उसका प्रतिरोध क्या कहलाता है, उसका जो प्रतिरोध होगा उस चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। यानी कि किसी पदार्थ के एक मीटर लंबे तथा एक मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध क्या कहलाता है, उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। यानी कि इस फॉर्मूले से हम विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आज क्लियर हुआ कि किसी चालक का प्रतिरोध दो बातों पे निर्भर कर रहा है, किस पे, उसकी लंबाई पे और क्षेत्रफल पे। लंबाई बढ़ाने पे क्षेत्रफल बढ़ता है, यानी कि सॉरी लंबाई बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ता है ना, यानी कि जो प्रतिरोध है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल बढ़ाने पे प्रतिरोध घटता है, क्षेत्रफल बढ़ाने पे प्रतिरोध घटता है, यानी कि प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, यहाँ पे एक कांस्टेंट फिर इसका मतलब हो जाएगा, यानी कि R और L अपॉन A की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। इस कांस्टेंट को ही क्या कहते हैं, एक नियतांक जो है इसी को हम क्या कहते हैं, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। ये जो नियतांक है इसी को हम क्या कहते हैं, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे हम किससे लिखते हैं रो से, इसे क्या पढ़ते हैं रो। अब यहां से रो का अगर फॉर्मूला निकालना है तो निकाल सकते हैं R A अपॉन L, ये आ जाएगा फॉर्मूला। तो R A अपॉन L क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहां से इसका मात्रक निकाल सकते हैं, R यानी कि प्रतिरोध का मात्रक कितना होता है ओम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर अपॉन लंबाई का हो गया मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, कितना आ गया ओम मीटर। अब अगर इस फॉर्मूले में लंबाई एक मीटर हो, क्षेत्रफल एक मीटर स्क्वायर हो, तो रो कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। तो यहां से हम विशिष्ट प्रतिरोध की भी परिभाषा दे सकते हैं कि किसी पदार्थ के एक मीटर लंबे तथा एक मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध क्या होता है, उस चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों को दो तरीके से संयोजित किया जाता है, श्रेणी क्रम में, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन, तथा समांतर क्रम में, यानी कि समांतर क्रम संयोजन। क्या है श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन? तो पहले समझते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या है। संयोजन का मतलब होता है कि आवश्यकता अनुसार है ना, आवश्यक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए एक से ज्यादा प्रतिरोधों का
संयोजित करके जोड़ना है ना। जैसे मान लेते हैं हमें जितना प्रतिरोध की आवश्यकता है वो प्रतिरोध हमें एक प्रतिरोध से ना प्राप्त हो सके, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, एक से ज्यादा प्रतिरोधों की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हम प्रतिरोधों को जोड़ेंगे। तो जो ये प्रतिरोधों को जो जोड़ना है वही क्या कहलाता है, प्रतिरोधों का संयोजन। अब प्रतिरोधों को हम कितनी तरीके से जोड़ सकते हैं, दो तरीके से, श्रेणी क्रम संयोजन में और समांतर क्रम संयोजन में। तो देखते हैं सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन, तो जैसे बताया अभी कि संयोजन का मतलब यह है कि प्रतिरोधों को, एक से ज्यादा प्रतिरोधों को किसी परिपथ में जोड़ना, एक से ज्यादा प्रतिरोधों को किसी परिपथ में जोड़ना जिससे हमें आवश्यकता अनुसार प्राप्त हो सके। क्यों, क्योंकि हमें कोई जरूरी नहीं है कि एक ही प्रतिरोध से आवश्यक प्रतिरोध प्राप्त हो जाए, तो हम क्या करेंगे, एक से ज्यादा प्रतिरोधों का यूज करेंगे, है ना। तो उसके लिए हमें प्रतिरोधों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन, जो दो तरीके से हो सकता है, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में, जैसे पहला प्रतिरोध, ये एक प्रतिरोध हुआ, ये दूसरा प्रतिरोध हुआ, इसी तरीके से ये तीसरा प्रतिरोध हुआ। ठीक है, इसी तरीके से आगे जोड़ते जाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, पहले प्रतिरोध के, भाई ये पहला सिरा, ये एक प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है ना। तो क्या करते हैं, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, और उसके दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। इसी तरह जो अगला प्रतिरोध होगा है ना, उसका पहला सिरा इसके दूसरे सिरे से, इसी तरीके से हम इसको जोड़ते हुए चले जाएंगे, है ना। तो यह संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, मान लेते हैं तीन, क्या है, तीन प्रतिरोध हैं जो हमने श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद पहले का पहला सिरा और आखिरी का दूसरा सिरा, दोनों के बीच में हम एक बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, क्या किया, पहला प्रतिरोध, फिर दूसरा प्रतिरोध, फिर तीसरा प्रतिरोध, कैसे जोड़ा हमने, पहले का दूसरा सिरा अगले के पहले से, फिर उसका दूसरा सिरा अगले के पहले से, इस तरीके से हम प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं। और लास्ट फिर क्या करते हैं, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और आखिरी प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दोनों के बीच में हम एक बैटरी लगा देते हैं। हम मान लेते हैं तीन प्रतिरोध हमने लिए, कौन कौन से, R1, R2, R3, और इन तीनों को हमने एक वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। अब वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पे क्या होगा, इस परिपथ में एक वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, है ना। मान लेते हैं वो धारा कितनी है, I, ये धारा कितनी है, I। अब ये जो धारा इस परिपथ में प्रवाहित होगी वो सभी प्रतिरोधों से बराबर से होके जाएगी, कैसे, जो धारा इसमें आएगी वही तो आगे जाएगी, है ना। इस तरीके से पूरे परिपथ में धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी। यानी कि एक चीज देखा कि जब प्रतिरोधों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा तो सभी में क्या है, एक समान धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन सभी के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो एक ना होकर वो अलग अलग होगा। ठीक है, ठीक। तो क्या किया हमने, तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। कैसे जोड़ा श्रेणी क्रम में, कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले के पहले सिरे से, उसके बाद उसका दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से, इस तरीके से जितने भी प्रतिरोध होंगे हम जोड़ देंगे, फिर पहले प्रतिरोध के पहले सिरे और आखिरी प्रतिरोध के दूसरे सिरे, दोनों के बीच में हम एक बैटरी जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे हमने R1, R2, R3 को एक वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है। अब इस बैटरी के कारण क्या होगा, इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, है ना। अब जितनी धारा R1 से होकर निकलेगी वही R2 से निकलेगी, वही R3 से प्रवाहित होगी, यानी कि श्रेणी क्रम में सभी में एक समान धारा प्रवाहित हो रही है। तो एक पॉइंट निकल के आया कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पे क्या होता है,
श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है तथा उनके सिरों पर विभवांतर भिन्न भिन्न होता है या अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो इक्विवेलेंट यानी कि जो इसका तुल्य प्रतिरोध होगा कितना होगा। तो चलिए लगा लेते हैं। माना तीन प्रतिरोध, कौन कौन से, R1, R2 व R3 चित्रानुसार कैसे जोड़े हमने, श्रेणी क्रम में एक V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, बैटरी से जुड़े हैं। यदि इनमें प्रवाहित धारा मान लेते हैं क्या हो, I हो, तो है ना, हमने कैसे जोड़ा है, R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम में एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है, तो इसमें क्या होगा, एक जैसी धारा प्रवाहित होगी, है ना। तो अगर ये धारा I है तो इनके सिरों पर विभवांतर क्या होगा, तो प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर V1 बराबर I R1, इसी तरह V2 बराबर I R2 तथा V3 बराबर क्या होगा, I R3। पढ़ा है ना V is equal to I R ओम के नियम से, है ना, I is, वहां पे क्या पढ़ा था, R is equal to V upon I, ये होता है R is equal to V upon I, तो यहां से V की वैल्यू क्या आ जाएगी, I R, है ना। तो V1 is equal to I R1, V2 is equal to I R2, V3 is equal to I R3। अब यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं क्या हो, R हो, मतलब अगर इस पूरे को मिला दिया जाए, इन तीनों को देखा जाए, इन तीनों का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हो वो मान लेते हैं कितना हो, R हो, तो V को क्या लिख सकते हैं, I R। ठीक है, अब यहां पे जितना वोल्टेज लगा है वही तो यहां पे तीनों पे डिवाइड होगा, बटेगा, तो V इज इक्वल्स टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, है ना। V क्या होगा, जो तीनों पे अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है उन सब के योग के बराबर होगा। तो यहां पे V की जगह क्या लिख सकते हैं, आई आर, V1 की जगह आई आर1, V2 की जगह आई आर2 और V3 की जगह आई आर3। तो यहां से I कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, आई आर इज इक्वल्स टू, I कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, R इज इक्वल्स टू कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया सबको कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ने पर पहली बात उन सभी में क्या होता है, एक समान धारा प्रवाहित होती है जबकि विभवांतर अलग अलग होता है। कैसे जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, कि हर प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले के पहले से जोड़ते चले जाते हैं और आखिरी वाले के दूसरे और पहले वाले के पहले सिरे के बीच में हम एक बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, और इस कंडीशन में सभी में समान धारा प्रवाहित होती है, विभवांतर सभी पे अलग अलग होता है, तो इसी के लिए हमने क्या किया, सभी का विभवांतर हमने अलग अलग निकाल लिया, लेकिन जो यहाँ पे जो इन सब का योग होगा वो नेट वोल्टेज के, नेट
विभवांतर के क्या होगा, बराबर होगा। उसको यूज करके हम क्या करते हैं, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन, कैसे जोड़ेंगे समांतर क्रम में देख लेते हैं। जैसे मान लें तीन प्रतिरोध हैं, अगर सभी प्रतिरोधों के एक एक सिरे एक पॉइंट से जोड़ दिए जाए और दूसरे सिरे एक पॉइंट से जोड़ दिए जाए, है ना, यानी कि सभी प्रतिरोधों के एक सिरे, है ना, एक सिरे एक पॉइंट से और दूसरे सिरे एक पॉइंट से जोड़ दिए जाए, उसके बाद इनके बीच में कोई हम बैटरी लगा देते हैं, तो ये जो हमने एक सिरे एक साथ जोड़ दिया है ये कौन सा संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन है। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या है, जब सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को एक बिंदु से और दूसरे सिरे को एक बिंदु से जोड़ दिया जाता है, तो ये क्या हुआ, प्रतिरोधों का समांतर संयोजन, और एक साथ इनके बीच में कोई एक बैटरी लगा दी जाती है। ठीक है, तो जैसे यहां पर देखते हैं, हम मान लेते हैं तीन प्रतिरोध आर वन R2, R3, है ना, ये तीन प्रतिरोध R1, R2, R3, इन तीनों को हमने समांतर क्रम में एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है। ठीक है, अब समांतर क्रम में हमने V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है, तो देखते हैं सभी प्रतिरोधों के दोनों सिरे V वोल्ट के बीच में लगे हुए हैं, है ना, R1 के दोनों सिरे V पर लगे हुए हैं, R2 के सिरे भी डायरेक्ट V पे हैं, R3 के सिरे भी V पे हैं, यानी कि सभी पे विभवांतर क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा, इसके कारण मान लेते हैं यहाँ पे धारा कितनी है, आई है, अब यहाँ पे पहुँचने पे ये धारा तीन भागों में बढ़ जाएगी, है ना, तो यहाँ पे क्या निकल के आया, पहली चीज समांतर क्रम में जोड़ते कैसे हैं, तो देखा हमने समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को एक बिंदु से और दूसरे सिरों को एक बिंदु से जोड़कर किसी बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, तो ये तो होता है समांतर क्रम संयोजन। फिर इस संयोजन में हमने देखा हर प्रतिरोध के सिरे क्या है, दोनों सिरे वी वोल्ट की बैटरी से ही लगे हैं, यानी कि सब पे विभवांतर क्या होगा, बराबर होगा, और जब वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एक धारा प्रवाहित होगी, लेकिन यहां पे क्या होगा, ये धारा तीन खंडों में बढ़ जाएगी, फिर आगे एक हो जाएगी, यानी कि समांतर क्रम संयोजन में क्या है, इसके ऊपर सभी पे वोल्टेज तो बराबर है, लेकिन यहां पे धारा क्या है, अलग अलग है। जैसे श्रेणी क्रम में धारा एक रहती थी, वोल्टेज अलग अलग होता था, वैसे यहां पे वोल्टेज एक है और धारा अलग अलग है, तो लिख सकते हैं कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर समान रहता है, तथा सभी में बहने वाली धाराएं भिन्न होती हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे R1, R2, R3 तीन प्रतिरोधों को V वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ा था, क्या किया था, माना तीन प्रतिरोधों R1, R2 व R3 को चित्रानुसार समांतर क्रम में V वोल्ट की बैटरी से
बैटरी से जोड़ा गया है। इनमें प्रवाहित वैद्युत धाराएं I1, I2 व I3 हो तो क्या होता है, I कैसे निकाल सकते हैं हम? फॉर्मूला जानते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन R, है ना। तो यहां से I की निकाल सकते हैं कैसे, I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1, है ना। यानी कि R1 में भाई दो सभी के सिरों पे वोल्टेज कितना लगा है, V, है ना, वोल्टेज कितना लगा है V, तो R1 में बहने वाली धारा बराबर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, V अपॉन R1। इसी तरह I2 बराबर V बटे R2, और इसी तरह I3 बराबर V बटे R3। अब यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं कैपिटल R है, तुल्य प्रतिरोध R हो, तो इसमें टोटल करंट कितनी है I, टोटल वोल्टेज कितना लगा है, नेट वोल्टेज कितना है V, अपॉन रेजिस्टेंस हमने क्या माना है R, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब यहां पे देखेंगे जितनी करंट यहां से आ रही वही करंट तो तीन भागों में बट रही है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, है ना भाई, जितनी करंट यहां पे आई आ रही वही तो तीन भागों में बट रही है, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। तो यहां पे लिख सकते हैं I की वैल्यू क्या हो गई, V अपॉन R, I1 कितना हो गया V अपॉन R1, I2 हो गया V अपॉन R2, I3 हो गया V अपॉन R3। अब यहां पे हम V कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यहां V से V क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन R कितना आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यानी कि हमने देखा कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या है, सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर है। यानी कि श्रेणी में सभी प्रतिरोधों का योग तुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है, समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम का योग तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध का रिजल्ट कैसे निकालेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो कैसे रिजल्ट निकालेंगे, और पढ़ा था क्या कि प्रतिरोध पर किन किन कारकों का फर्क पड़ता है, जो हमने बताया लंबाई और क्षेत्रफल, और साथ ही पढ़ा था विशेष प्रतिरोध। तो आज की क्लास में हमें यह क्लियर हो गया कि इसी चालक का प्रतिरोध किस किस बात पर निर्भर करता है। हमने जाना कि चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, और प्रतिरोध के सॉरी किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसके परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और वहीं पे इंट्रोड्यूस एक नई क्वांटिटी जिसे हम क्या कहते हैं, चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, और आवश्यक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अगर हमें एक चालक से प्रतिरोध उपलब्ध ना करे हो पाए तो हम क्या करते हैं, चालकों को जोड़ते हैं, सॉरी प्रतिरोधों को, है ना, जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, दो तरीके से, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में हमने देखा था जो तुल्य प्रतिरोध होगा सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, जबकि समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम का योग तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ठीक है।